शूटिंग कर रहा था, मुझे कुछ मालूम नहीं, अभी मुझे पता चला, मुझे तो मालूम भी नहीं है वजह क्या है और उनको रिप्लेस क्यों किया गया वो भी मुझे मालूम नहीं था, वो वहाँ ठहरी नहीं इसलिए इन्होंने रिप्लेस किया उनको। अभी मेरा तो काम था उनके साथ स्टेज पर, और वहाँ हमने कौन सी बदतमीजी की हमारे समझ में नहीं आता, इतने तकरीबन 1000 लोग हैं उनके सामने हो रहा था ये सब। मुझे एक तो गंदा लग रहा है कि ऐसी सफाई मुझे देनी पड़ती है, 35 साल हूँ मैं इंडस्ट्री में, कभी किसी ने मुझ पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब ये बच्ची क्यों कहती है मेरे समझ में नहीं आ रहा, हालांकि मैं आप किसी को भी मिलने वाला नहीं था, लेकिन ये इंसिस्ट कर रहे थे हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांस डायरेक्टर, असिस्टेंट्स कि सर बहुत गंदा बोला गया आपके बारे में, ये बच्ची को समझना चाहिए क्या बोल रही है। तो जैसे कि उनसे पहले आपने 3 दिन भी पहले शूट किया था, ये चौथे दिन जिस दिन आपने शूट होने वाला था भी सारा इंसिडेंट हुआ था, तो पहले किस तरह का रिएक्शन था आपके साथ? नहीं, बिल्कुल ठीक थी बच्ची, मेरे समझ में नहीं आया, मेरे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ है। हमने रिहर्सल की, आखिरी शॉट था जो आज शॉट अभी मैं देख के आया वही शॉट था, उसके बाद मेरी शूटिंग तो ख़त्म होने वाली थी, और मैंने कहा बेटे तुम वैन में बैठो, मैं रिहर्सल करूँगा, मैं नाच नहीं सकता तो थोड़ी रिहर्सल ज़्यादा लगेगी, जैसे ठीक हो जाएगा अब चले आओ। तो उसके बाद वो ही नहीं, मुझे वजह नहीं मालूम क्या है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है पूरी जो कहानी प्री प्लानिंग की गई है कि तीसरे 3 दिन तक शूट करके चौथे दिन जिस दिन आखिरी शूट होना? मुझे नहीं मालूम बेटे, मैं कभी ऐसे मुझे ये प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं समझता। मेरे इंडस्ट्री में दोस्त बहुत कम है लेकिन दुश्मन एक भी नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, इंडस्ट्री में होने के बावजूद मैं इंडस्ट्री में बहुत यहाँ कम रहता हूँ, मैं काम के वक्त आता हूँ, और मुझे बड़ा गंदा लग रहा है, माफ करो। अब आपकी जगह ना तो आपके डायरेक्टर ने, आपने एक बार जानने की कोशिश की कि क्या चीज है जो वो छिड़के कर रही है, किस उसमें कर रही है? लेकिन मेरा तो कोई संबंध नहीं है इससे, मैं रिहर्सल करूंगा उनके साथ, वो सेट पे करूंगा, टेक देना है वो सेट पे करना है, और इतने ढेर सारे लोग हैं उनके सामने हो रहा है सब। तो जब अगर इस तरह के आरोप लगा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किस्सा हुआ होगा या कहीं कुछ छोटी मोटी कहा सुनी, इस तरह से कोई सीन हुआ? मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हंस खेल के थी बच्ची, मुझे मालूम भी नहीं है, मतलब नहीं आप डांस के बारे में जानते हैं, मैं वहाँ रिहर्सल इसलिए कर, मुझे आता नहीं है, तो वो डांस रिहर्सल हो रही है तो मैं वहाँ खड़ा रहूँ तो उसमें मुझे पता चले, मैं इसलिए रहता हूँ सेट पे। हालांकि बड़ा अजीब सा आरोप उन्होंने लगाया है जो कि नाना का टच जो था वो नॉर्मल नहीं था, ये एक स्टेटमेंट उन्होंने आज दिया। एक तो पहले भाई मैंने टच कब किया मुझे नहीं याद, क्योंकि पूरे गाने में उन्हें मुझे छूना है, मुझे उनको छूना नहीं, मैं दूर भागता, तो रिहर्सल में वो कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे लगता है कि गलत है ये, ऐसे अच्छा नहीं है कहना, हमने इतने बरसों में सिर्फ इज्जत कमाई है और बुरा लगता है ऐसे कोई कहता है तो ऐसा ना कहे, बेहतर है, ऐसी कोई बात घटी ही नहीं है जिसका आप जिक्र कर रही है। ना ये जितना वर्डिक्ट है वो सिर्फ आपके खिलाफ जा रहा है, आई मीन आपके बारे में वो ज़्यादा बोले ना, प्रोड्यूसर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, अभी तक उनसे कोई कन्वर्सेशन हुई या फिर ये क्या मामला है, क्यों? मुझे मालूम ही नहीं है बेटे, मैं मेरे समझ में नहीं आता ये क्या है क्या। आपने क्लैरिफाई करने का कोशिश किया? किसको क्लैरिफाई करूँ, क्या 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 क्लैरिफाई करूँ, किससे करूँ? वो तो अपनी बात रख रही है, आप मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मीडिया के मुझे मालूम ही नहीं कि वजह ही क्या है, मेरे समझ में नहीं आती। मीडिया के सामने कुछ मुझे कहना है तो मैं रहूँ ना, अभी मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे उन्होंने बयान किया है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है, मुझे आके काम करना है या मैं काम करके चला जा रहा था, बाकी बात पूछनी थी आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पूछ सकते हैं, डांस डायरेक्टर को पूछ सकते हैं, अब मेरा नाम कहाँ से आया मेरे समझ में नहीं आया। दो तीन चीजें इसमें होती रही हैं, वो दो तीन चीजें बदल बदल कर बोलती रही हैं, पहले उन्होंने कहा
था कि मुझे बोला जा रहा था कि मैं रिहर्सल्स नहीं कर रही हूँ, मैं डांस स्टेप नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे जबरदस्ती सेट पर सबके सामने शर्मिंदा किया जा रहा है जबकि मैं बहुत टाइम दे रही हूँ। अरे भाई मुझे नहीं मालूम, बोलती है कि नाना मुझे अब बेटी कहकर बुला रहे हैं, काश कि पहले उन्होंने मुझे बेटी समझा होता। अरे नहीं है इसका, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने, ये ऐसे गंदे सवाल आप मुझे मत करो, मेरे बच्चे से भी छोटी है। खैर वो चलो, उनको क्या लगा वो नहीं है, ये जो आरोप है वो गलत है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। मुझे इस बारे में ज़्यादा बोलना मुझे घिन आ रही है। अच्छा नाना बताइए कि पहले दिन उसने टैग नहीं दिया और चले गई साइड से, और बाद में मीडिया से बदतमीजी की, उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने देखा ही नहीं, मैं था ही नहीं वहाँ। पहले दिन नहीं, आखिरी दिन की बात है। आप जो कर रहे हैं वो जो परसों की बात है, तो मैं तो चला गया, शूटिंग नहीं हो रही है। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, मैंने टीवी पे देखा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे मालूम ही नहीं था। नाना जब शाम में आप गए थे यहाँ से अपने घर, जब आप गए थे इंटरव्यूज दे करके यहाँ से, तो जब दूसरे दिन सेट पे आए होंगे तो सारे रिएक्शन आपको मालूम होंगे क्या क्या हुआ यहाँ पे। दूसरे दिन मैं आया ही नहीं, मैं आज आया। तो किस तरह के, मतलब किस तरह की बातचीत आपसे हुई, क्या आपको मालूम पड़ा उनके बारे में, क्या क्या? नहीं नहीं मुझे तो कोई संबंध ही नहीं आता ना इस बात से बेटे, मेरा क्या संबंध है इस बात से? उनकी कुछ अनबन हो गई, उन्होंने अगर तय किया है उनके बदले कोई और काम करेगा। मैं तो इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, वो जो भी बोलेंगे उनके साथ मुझे काम करना है। रही बात, मुझे दो दिन ज़्यादा रुकना पड़ा, जो मुझे जाना था कहीं, लेकिन दो दिन ज़्यादा रुकना पड़ा। नाना पर बात ऐसी क्या हुई कि उनको ये तक भी कहना पड़ा कि सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्हें इस तरह से हरकतें नहीं करनी चाहिए? अब ये उनको उनको पूछिए ना, नहीं अगर कोई कुछ हुआ होगा तो इतने लोगों के सामने है ना, कहीं मैं कहीं बाहर तो नहीं कुछ, मैं उनके सामने सबके सामने रिहर्सल कर रहा हूँ। किसी को तो गलत लगे, और किसी को छोड़ो मुझे तो गलत लगे, इतना तो भरोसा करो यार। नहीं हो गया, गाना पूरा हो गया, एज फार एज आई एम कंसर्न सॉन्ग इज ओवर। लेकिन मैं सबको आपको फिर एक बार कह दूँ कि मुझे इस पूरे इससे बहुत गंदा लगा। 35 साल में मुझे किसी ने ऐसा गंदा कहा नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पहले दिन से वही कह रहा था, खैर छोड़ो, देखो मैं समझता नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ मैं। मुझे इस पूरे जो कुछ घटा है उससे बहुत अच्छा नहीं लगा। बच्ची क्या अगर फिल्म मिली तनुश्री की तो करना चाहेंगे उनके साथ अगर प्रोजेक्ट आएगा? आप सोचो, मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप सोचो। नाना तनुश्री आपसे उम्र में बहुत छोटी है, एक क्या नसीहत आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बच्ची को समझना चाहिए, ये ऐसा आरोप लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर मैं कुछ कह दूँ तो अच्छा नहीं होगा। मैं अभी भी कहता हूँ बच्ची जैसी है उसको समझना चाहिए, ऐसे किसी पर आरोप लगाना अच्छा नहीं है। अच्छा एक चीज़ आपने उस दिन नोटिस किया था कि उस दिन शायद बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने पेरेंट्स तक को यहाँ पे बुला लिया, आप शायद उस वहाँ पे देखा भी होगा सेट्स पे, वैनिटी वैन में वो लोग बैठे हुए थे, इतनी बड़ी डिस्कशन चल रही थी पिछले 12 से 4 बजे तक के बीच में, तो कुछ ऐसी बातें मालूम हुई आपको? मैं सच कहता हूँ, मेरा काम क्या है? काम करना। मेरा डायरेक्टर कहता है कि भाई ये ऐसा है, यहाँ तो डांस डायरेक्टर थे कि आपको ये करना है। मैं डांसर तो हूँ नहीं, तो मैं रिहर्सल ज़्यादा करूँगा, और मैं जो असिस्टेंट है उनके साथ रिहर्सल करता था। अब बाकी क्या बातें घटी है उसको मैं कैसे जानूँ? एक आखिरी सवाल बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पे तकरीबन उनकी गाड़ी वाड़ी तोड़ी गई, तो कुछ तो अफसोस जरूर हुआ होगा? नहीं बिल्कुल, पूरा जो घटा है उससे मुझे बुरा लगा है। जो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? अभी आप आए, परसों मैं जा रहा था, किसी ने मुझे कैमरा लेके पूछा, मैंने कहा मुझे कुछ मालूम ही नहीं है क्या हुआ है, आप इसके बारे में प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात कीजिए, जो मेरा इलाका ही नहीं उसके बारे में मैं कैसे बात करूं? रही बात काम की, तो इतने सारे ढेर सारे लोग हैं, आप इससे मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी सफाई मैं दे रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गंदा लग रहा है। नाना मतलब आपसे ये बात करते हुए हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने सालों से आपसे हम वाकिफ हैं, लेकिन मजबूरी है। नहीं नहीं आप मजबूर क्या है? आप ऐसी भी बात आज उन्होंने कही कि मतलब गणेश के साथ मिलके
इस तरह का कोरियोग्राफ किया गया कि अरे बाबा मैं नहीं जानता गणेश और हमारे डायरेक्टर साहब जो है उनको, मैं गणेश को मुझे मालूम ही नहीं है। आज भी आप देखो मुझे कुछ नाचना नहीं आता। गणेश के कोरियोग्राफी की आप बात कर रहे हैं तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं बहुत बड़ा कोई डांसर हूँ। मैं हूँ नहीं बाबा। गोविंदा होता मैं तो समझ सकता हूँ कि मैं उसमें हिस्सा लूँ कि नहीं, कैसे डांस करना है, क्या मुझे आता ही नहीं है। गोविंदा हर स्टेप जानता है कैसे करना है, मुझे क्या मालूम है। पहले तो अनुश्री थी, अब राखी आ गई। राखी तो बहुत फास्ट डांसर है, आप कह रहे हैं आप बहुत अच्छा डांस नहीं करते, अब तो ताल से ताल मिलाने में राखी के साथ खासतौर से थोड़ी तकलीफ है या तनुश्री के साथ जाते हैं? मुझे किसी के साथ तकलीफ नहीं है। तनुश्री के साथ भी बिल्कुल तकलीफ नहीं थी, राखी के साथ भी तकलीफ नहीं है, और भी कोई होगा तो भी मुझे तकलीफ नहीं है। पर कहीं ऐसा लग रहा है कि राखी कोऑपरेशन ज्यादा करती है डांस या इस तरह से? नहीं ऐसे नहीं है, तनुश्री भी अच्छा कोऑपरेशन कर रही थी। पहले तीन दिन हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तनुश्री ने अच्छा किया था, कोई बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा किया था। हालांकि हंसते खेलते थी, अगर तीन दिन पहले उन्हें दिक्कत होती मुझसे तो मुझे कह देती ये ऐसी सी बात। अच्छा यहाँ एक बात हट करके पूछना चाहेंगे, काफी सेंसिबल सिनेमा आपने किया है पहले, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मतलब ब्लॉक मास्टर हो या फिर वेलकम हो, आप मतलब डांस वांस करना भी शुरू कर दिया आपने? नहीं नहीं मैं डांस नहीं करना चाहता, ये जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना वो शायद टेढ़ा बका नाचता हूँ तो उनको देखते हुए जरा हंसी आती होगी शायद। तो एंजॉय करते हैं आप डांस करते हुए? मैं जो भी काम है मैं एंजॉय करता हूँ, अगर एंजॉय नहीं करता तो मैं करता ही नहीं। नाना इस मुद्दे पे किसी का लॉस हुआ है किसी का गेन हुआ है, बट पब्लिसिटी स्टंट या पब्लिसिटी ये हॉर्न ओके प्लीज को एक पब्लिसिटी मिल गई है? मैं बेटे तुमको एक सवाल पूछता हूँ, 35 साल के बाद ऐसे घिनौनी पब्लिसिटी के लिए मैं कुछ करूँगा? मुझे जरूरत है, तुझे लगता है? पूछ, तूने मुझे सवाल किया है बेटे पूछना, मुझे जरूरी है? मेरी फिल्म अगर ठीक है तो उसके बलबूते पे चलेगी, अगर अच्छी नहीं है तो गिर जाएगी, उसके लिए ऐसे घिनौने पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। नाना जो होना था हुआ, पूरा हुआ सब हुआ, लेकिन ये मामला विद इन द इंडस्ट्री हो जाता तो ठीक नहीं होता, जो पब्लिक में इसका एक तो पहले मामला ही क्या है मुझे समझ में नहीं आता, ये बात क्या है मेरे समझ में नहीं आती। मेरी अगर कोई बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगती तो तुम्हारे साथ मैं बात करूंगा बगल में लेके कि क्या बात है भाई, लेकिन मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब जो आम आदमी जो मतलब इतना ड्रामा हो गया, मतलब जो भी मुद्दा जो भी रहा हो, देखो मैं ना हो। मैं जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे उस वजह से जाने कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, ऐसी घिनौनी बातों के लिए नहीं। और मैं जिंदगी में ऐसी गंदी हरकत कभी कर नहीं सकता। बच्ची को मैं फिर कहता हूँ, कोई गलती हो रही है तुमसे ऐसे मत करो।